दोस्तों अंजना ओम कश्यप की ये हालत हो गई है कि अब उनको जहां जा रही है अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहां से उनको खदेड़ना शुरू कर दिया गया है। हर तरफ खदेड़ा जारी है। जैसे भाजपा नेताओं को गांव में घुसने के लिए नहीं मिल रहा है कई जगहों पर, ठीक वैसे ही अंजना ओम कश्यप को रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं मिल रहा है। अब तक तो आपने गोदी मीडिया हाय हाय के नारे सुने थे, लेकिन ताजा तरीन वीडियो अभी निकल कर सामने आया है जहाँ पर मोदी मीडिया मोदी अंजना करके लोग नारे लगा रहे हैं। ये वीडियो सार्वजनिक हो चुका है दोस्तों, जहां पर अंजना ओम कश्यप को पुलिस वाले बचाते हुए नजर आए, पुलिस वाले उनको सुरक्षा देते हुए नजर आए हैं। हाय रे पत्रकारिता, ऐसी पत्रकारिता दोस्तों जहां पर पुलिस वालों को आना पड़ रहा है पत्रकार मैडम को, जो झाड़ू पत्रकार, कर्मठ पत्रकार, जो देश में सच्ची पक्की खबर लेकर आती हैं, उन पत्रकारों के साथ देशवासी किस तरीके से उनको भगा रहे हैं और मोदी मीडिया का नारा लगा रहे हैं। ज़रा एक बार इस वीडियो को फिर से सुन लीजिए और देखिए कि अंजना ओम कश्यप का कैसे स्वागत हो रहा है। ये नया वाला वीडियो है, ज़रा नए वाले वीडियो को आप ज़ोर से सुनिए कि कैसे मोदी मीडिया का नारा गूंज रहा है अंजना ओम कश्यप के मुँह पर। सुना दोस्तों किस तरीके से अंजना ओम कश्यप के मुंह पर मोदी मीडिया का नारा लग रहा है। ये है हमारे देश में पत्रकारों की हालत, जो दिन रात चाटुकारिता करते रहते हैं। हालांकि अंजना ओम कश्यप का कल भी विरोध हुआ था दुमका के अंदर, जहां पर उनके मुंह पर गोदी मीडिया हाय हाय के नारे से उनको भगा दिया गया था। हेलीकॉप्टर लेकर अंजना ओम कश्यप इन दिनों हर तरफ उड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन शायद उनका उड़ान जनता के बीच लोकप्रिय ता जो है हासिल नहीं कर पा रहा है। तभी तो जनता उनको खदेड़ते हुए नजर आ रही है, जनता उन्हें फटकार लगाते हुए नजर आ रही है। दोस्तों इस वीडियो को समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से शेयर करते हुए जो लिखा है, जरा मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से अंजना ओम कश्यप का जमकर विरोध हुआ है गाँव वालों की तरफ से। पुलिस वाले बीच बचाव करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, अंजना ओम कश्यप भागती हुई नजर आ रही है। ये हालत, ये स्थिति बन गया है। आज तक का हेलीकॉप्टर भी नजर आ रहा है, जिस पीले हेलीकॉप्टर पर अंजना ओम कश्यप उड़ान पर उड़ान भर रही है और जनता को बता रही है कि मोदी जी इस बार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप अपनी राय दीजिए। जैसे ही राय लोगों की सामने आती है, अंजना ओम कश्यप का माइक हटने लग जाता है। कई जगह ऐसी वीडियो सामने आई है जिससे लोगों ने क्लेम किया है कि ये है इनकी पत्रकारिता। जब पापा के बारे में बताया जाता है तो पापा की परियां वहां से उड़ निकलती हैं। आईपी सिंह, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो लिखते हैं कि आज तक को मोदी भाजपा ने खरीद लिया है। चार छोटे गोदी पत्रकार नहीं पत्रकार उनकी जी हुजूरी कर रहे हैं। अंजना मोदी वापस जाओ, फिलहाल जनता को ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए। मैं ऐसे नारे की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो है अंजना ओम कश्यप का ये हालत हुआ है। अंजना को बार बार हर जगह से भगाया जा रहा है, उनको कैसे जलील किया जा रहा है, इस तमाम वीडियो में साफ तौर पर नज़र आ रहा है, जैसा सोशल मीडिया यूज़र्स के हवाले से लिखा बोला जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पत्रकार जैसी भी हूँ, चाहे वो किसी एक पार्टी का भक्ति करती रहें या नहीं करती रहें, ये उनका अपना अंदाज होगा। लेकिन दोस्तों एक बात तो है, आप भी मानने लगे होंगे, समझने लगे होंगे कि इनकी पत्रकारिता, इन जैसे पत्रकारों की पत्रकारिता अब देश और समाज दोनों समझ चुका है, तभी ऐसी इनकी स्थिति हो गई है। नहीं तो जो पत्रकारों को इज्जत मिलती है, जो उनका रुतबा होता है, वो इन लोगों ने दलाली कर समाप्त कर दिया है। तो कहते हैं ना कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में एक ना एक दिन आप खुद गिरोगे। शायद कर्मा रिटर्न्स हो रहा है, अपने कर्मों का फल यहीं भुगतना होता है। ऐसा शायद इन पत्रकारों के साथ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत जहर, बहुत गंदगी, बहुत नफरत फैलाई है, दिन रात स्टूडियो में नफरत का बीज बोया है और जनता को भड़काने का कोशिश किया है। लेकिन जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में तो अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है जनता का, कि कैसे वो भाजपा और भाजपा के फालतू जो पत्रकार हैं उनको खदेड़ते हुए नजर आ रही है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।